अब हम लोग पढ़ेंगे 16। सारे क्रॉनिक डिजीज का जड़ है 16। मैक्सिमम 16 के बिना कोई भी क्रॉनिक डिजीज नहीं होता है। और कभी 16 से सेपरेट होकर साइकोटिक मिलता है, उसमें 16 का कहना मिक्स रहता है। तो यू हैव टू मस्ट नो द फंडामेंटल कॉज ऑफ द डिजीज, अदरवाइज यू विल फेल टू क्योर द पेशेंट। ठीक है, what is the fundamental cause? पहले इसको समझो। The fundamental cause is the cause of chronic disease. The real fundamental cause of all diseases is myasm. Hanuman found the myasm to be a cause of this failure. He called the myasm the most fundamental cause for the real cause of the disease. अगर कोई बीमारी अगर ठीक नहीं हो रहा है तो जरूर इसमें myasm घुसा हुआ है, उसको अपने को खोजने की जरूरत है। ठीक है, myasm is a dynamic morbid forces that pollute the human organism leading to the unhealthy tendency and different diseases. The word myasm is derived from the Greek word myasmen. The similar Latin word myasma is also identified, the meaning of which is pollution, stigma, etc. ठीक है, माइजम कहां से बढ़ा है, इसके बिना क्या होगा, पोल्यूशन, स्टिग्मा। हनीमैन क्लासिफाइड द माइजम इनटू टू टोटलिटी टाइप्स, एक्यूट माइजम अटैक ए पर्सन मेनी टाइम्स इन द सेम मैनर, एग्जांपल कोलेरा एंड प्लेग एटसेट्रा। नॉन रिकरेंट एक्यूट माइजम फिक्स्ड माइजम जो अटैक पर्सन ओनली फॉर द वंस इन ए लाइफ, दैट इज चिकन पॉक्स, मीजल्स, व्हूपिंग कफ। फंडामेंटल कॉज में जस्ट अभी मैंने पढ़ाया, क्रॉनिक माइजम्स में स्टोरिक स्ट्रगल, साइकोटिक वीकनेस, सेपरेट डिस्ट्रक्टिवनेस। अब आ रहे हैं 16। व्हाट इज 16? प्राइमरी मैनिफेस्टेशन ऑफ द 16 आफ्टर पासिंग द इंक्यूबेशन पीरियड, द मैनिफेस्टेशन ऑफ द इन्फेक्शन ऑफ द 16 अपीयर। अच्छे से खाली इसको पढ़ते जाना। द फ्लूइड इन द ईच वेसिकल्स कंटेन दिस स्टोरिक माइजम। अगर खुजली वाला जो फ्रूट्स होता है उसमें जो लिक्विड रहता है वो सोरिक माइजम रहता है। इफ दैट फ्रूट्स कम्स कॉन्टैक्ट विद आवर स्किन द माइजम गेट्स एन एंट्री टू द बॉडी। अगर वो इसका लिक्विड अंदर में स्किन में अगर पेनिट्रेट कर गया चाहे लग गया तो हमारा माइजम इंटर कर जाता है। द अफेक्टेड पर्सन विल टेल ए फेल बिट चिलिंग विद इन 6 to 8 or 40 days फ्रॉम द डेट ऑफ कॉन्टैक्ट। जब से उसको कांटेक्ट हो जाएगा 16, 6-8 से लेके 12-13 दिन में उसको बहुत जो ठंडा लगेगा, चिल्ली हो जाएगा पेशेंट। ठीक है, ही विल फील हीट इन द बॉडी विथ फीवरिश फीलिंग इन द इवनिंग एंड इज दिस विल परसिस्ट ड्यूरिंग द नाइट एंड टुवर्ड्स द लास्ट पार्ट ऑफ द नाइट स्वीटिंग विल बिगिन। फील हीट इन द बॉडी विथ फीवरिश फीलिंग इन द इवनिंग, समझ में आया, feverish feeling in the evening, this is sura. Next morning the each vesicles will appear. Dusre din uska eruption start ho jayega. The spread gradually on the skin all over the body, initially appearing on the infected area. The patient undergoes severe itching and rubs and scratches the each vesicles until bleeding. The rubbing and scratching through temporary relieves in the followed by the severe burning और फिर लॉन्ग टाइम खुजली के बाद में बहुत जोर जलन स्टार्ट हो जाता है। एग्रेवेशन ऑफ द इचिंग इज फेल्ट लेट इवनिंग टू टिल मिडनाइट। इचिंग शाम से स्टार्ट होकर के रात तक आधे रात तक रहता है। बाय स्क्रैचिंग ऑफ द वेसिकल्स कंटेनिंग द फ्लूइड कम्स आउट एंड स्प्रेड इन द नेबरहुड व्हिच इज also capable to infection other healthy persons. उसका अगर लिक्विड कहीं पर लग जाता है तो ऐसे फैलते जाता है। The appearance of vesicles may be said to be a primary manifestation of sora. Appearance of vesicles may be said to the जैसे निकलेगा primary manifestation of the sora. These vesicles are associated with severe itching followed by burning. Itching followed by burning.
If these vesicles are not cured with suitable antihistoric medicine and are suppressed by any means, then the topical symptoms disappear, but the disease is driven inwards. Many remains in dominant state, which is then called the latent state of psora. समझ गया? अगर उसको सोरिक मेडिसिन से नहीं ठीक करके एक्सटर्नल मेडिसिन और इससे अगर ठीक किया गया तो वो सोरा का एक दूसरा स्टेज होता है, दैट इज लेटेंट स्टेट ऑफ सोरा. यूजुअली दिस सिम्टम्स ऑफ सेपरेशन ऑफ अराइज फ्रॉम द एप्लीकेशन फ्रॉम ऑइंटमेंट. ऑइंटमेंट लगाने के बाद में कुछ सप्रेस्ड हो जाता है, बट समटाइम्स दिस वेसल्स में डिसअपीयर आफ्टर सर्फेस ऑफ इवन विदाउट एप्लीकेशन ऑफ एनी. कभी कभी बिना दवाई का भी वो सप्रेस्ड होकर अंदर चला जाता है. On the other hand, the primary manifestation of syphilis or psychosis never disappear automatically. लेकिन primary manifestation syphilis or psychosis का अगर eruption रहेगा तो अपने आप नहीं जाएगा. ये समझ लो, psoriatic eruption है तो अपने आप भी जा सकते हैं, मलम लगाने के बाद भी ठीक हो सकता है. But जैसे कि breast cancer और ये सब कुछ मलम लगाने से थोड़ा ठीक हो जाता है, नहीं होता. थोड़ा ठीक से समझना क्योंकि ये बार बार नहीं पढ़ने होगा. दिस लेटेंट सोरा, लेटेंट सोरा मैंने सप्रेस्ड स्किन डिजीज जिसे मीनिंग में बोल सकते हैं, मे बी कन्वर्टेड इनटू पेशेंट फॉर्म, पेटेंट फॉर्म, एक पेटेंट फॉर्म फॉर्मेशन हो जाएगा लेटेंट सोरा. क्या है पेटेंट फॉर्म में हमें बताऊंगा मैं भी. अगेन द फ्यूचर द रिजल्ट इज द मेंटल शॉक. पेटेंट फॉर्म मीन्स form of mental shock, trauma, invasion of any acute disease or unhealthy environment, etc. The patent forms have various type of manifestation. The particular type which you will assume in an individual depends upon the individual inherited susceptibility, environment, earlier disease from which he has already suffered from since birth. The mode of treatment is adapted for those palliation or suppression of any previous ailments. That is why we found the numerous chronic diseases, those whom normal nomenclatures are not always the norm. With exception, the syphilis and psychosis, all other so-called chronic diseases arises from sora. Sora जब suppress कर जाता है तो पता नहीं चलता है कि ये कैसे suppressed हुआ, अंदर में suppressed होकर पता नहीं चलता है, unknown हो जाता है. फिर भी बिना sora का chronic disease नहीं होने वाला, कोई भी disease हो. Whatever nosological classification may be made from the pathological point of view, we can never fully get right from the without the help of antihistoric remedies. Antihistoric remedy ke bina hum kabhi bhi purna roop se theek nahi ho sakte. The variant psoriatic dyskinesia does indeed remain in the latent state of form. Subsequently, the flares of the various form of under favorable circumstances. So disease like cancer, tuberculosis, diabetes may not be generally developed in the future of the proper constitutional treatment can be rendered in the infancy of basis of symptom or latent sora. Because in such cases, the person concerned may be freed from the sora, which is the basic cause of such disease. So cancer, tuberculosis, diabetes mein pata nahi chalta hai, lekin sora background mein run karte rahega. Hame khojne ki zarurat hai. Of course, there may be every possibility of subsequent attack of sora and creation of favorable circumstances for the flare-up of sora again. Yet there is no doubt that many incurable diseases can be averted if the propensity of inherited sora can be decreased or removed. जब तक sora को remove नहीं करोगे, आपका बीमारी कोई ठीक नहीं होने वाला. Truly say that there is no person who is free from sora. ट्रूली सच्ची बात है कि देर इज नो पर्सन हु इज फ्री फ्रॉम सोरा, सोरा से कोई वंचित नहीं है. इसलिए हम लोग को जल्दी कॉन्सेंट्रेशन करके सोरा से सिफिलिस डायग्नोसिस पर नहीं जाए, पहले इस पर कॉन्सिडर करना. सो लॉन्ग सोरा रिमेंस इन द बॉडी इट विल बिकम ए मोर कॉम्प्लिकेटेड देन द मल्टीप्लाइड. The more it will be brought out from the suppressed condition, the more its destructive power will be diminished.
लेट अस डिस्कस सिम्पटम सिंड्रोम सोरा विच इज वेरियस स्टेज इन रिकॉग्नाइजिंग देम. फ्यू सिम्पटम्स ऑफ द लेटेंट स्टेज ऑफ द सोरा मेंटल जनरल सिम्पटम्स. मेंटली में सोरिक मेंटल डिजीज में क्या होगा, मेंटली अलर्ट फियरफुल एप्रिहेंसिव एनेक्शियस एंड इजीली इरिटेटेड. मेंटली एंड फिजिकली लेथार्जिक एंड क्रिपलिंग. फिजिकल जनरल थर्मल रिएक्शन चिल्ली हाइपर ससेबिलिटी टू कोल्ड एवर्शन टू कोल्ड वांट वार्मथ ऑफ द इंटरनली एंड एक्सटर्नली. सोरा पेशेंट हमेशा चिल्ली रहेगा, हॉट नहीं रहेगा. तो चिल्ली के पास आराम, सोरा के पास आप पहुंच सकते हो इजीली. इफ पेशेंट इज चिल्ली देन थिंक द सोरा इज विद मस्ट बी देयर विद हिम. क्रेविंग फॉर स्वीट्स सावर फ्राइड थिंग्स एंड फैट फूड्स. रेविंग्स एंड हंगर स्पेशली इन द मॉर्निंग. स्लीप ड्यूरिंग स्लीप ट्विचिंग ऑफ मसल्स स्वीट ऑन हेड रेस्टलेसनेस ड्यूरिंग स्लीप. एवर्शन टू बैथ अनक्लीन एंड डर्टी हैबिट्स. वांट्स टू लाई डाउन डे एंड नाइट विच एमिनेटरी ट्रबल्स. बेटर बाय नेचुरल डिस्चार्ज एंड सिक्रेशन बाय स्वीटिंग यूरिनेशन स्टूल एंड मेंस्ट्रुएशन फ्लो. ये एक सबसे सोरा में जानने के लिए बेटर बाय जो नेचुरल डिस्चार्ज हो रहा है सिक्रेशन हो रहे हैं उसका फ्लो अगर ठीक रहता है तो कंफर्ट रहता है. नेचुरल डिस्चार्ज एंड सिक्रेशन आर एज ए स्वीटिंग यूरिनेशन स्वीट स्टूल मेंस्ट्रुएशन फ्लो. अब केस टेकिंग के समय क्या लेना है इन क्रॉनिक केसेस में बुझो दिखती रीटा सबके तुमके लिखवा रहे चाहिए. थर्मल रिलेशन क्रैविंग स्वीट्स रेविंसेस सेंगर्स स्लीप एवर्सन टू बाथ एंड क्लीन वांट्स टू लाई डाउन. इस सब के निकली केस टेकिंग के समय में इसको आपको लेना जरूरी है, अदरवाइज आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे सोलह तक. सेकेंड कैरेक्टराइज सिम्टम क्या है इसके, बर्निंग एंड स्वीटिंग पाम्स एंड सोल. बर्निंग एंड स्वीटिंग पाम्स एंड सोल. बहुत से पेशेंट स्वीटिंग वाले आते हैं, ठीक है. पीरियोडिकल हॉट फ्लैशेस फेल्ट इन आईज. आंख में गर्माहट, फेस ईयर में गर्म. रीड्रेस ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ द ऑरिफिस ऑफ द लिप्स नॉस्ट्रिल्स एंड सो ऑन. ग्नैशिंग ऑफ टीथ ड्यूरिंग स्लीप एंड एक्सपल्शन ऑफ द राउंड वर्म्स. पीरियोडिकल एपिस्टेक्सिस. नाक में ब्लीडिंग स्टार्ट होता है, कभी कभी होता रहता है. फ्रीक्वेंट कंजेशन ऑफ द थ्रॉट विद एक्युमुलेशन ऑफ द मच. बहुत ज्यादा कफ निकलना. सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन ऑफ सोरा. इनहेरिटेड सोरिक डिस्क्रेडिया डज इंडीड रिमेन इन दिस लेटेंट स्टेट ऑफ फॉर्म. सब्सिक्वेंटली इट फ्लेयर्स ऑफ द वेरियस फॉर्म्स ऑफ अंडर फेवरेबल सर्कमस्टेंसेस. सेकेंडरी मैनिफेस्टेशन ऑफ सोरा. सेकेंडरी सोरा में क्या क्या लक्षण अपने को मिलेगा. वर्टिगो एग्रावेशन व्हेन वॉकिंग. वर्टिगो एग्रावेशन ऑन वॉकिंग. हेड लॉन्ग स्टैंडिंग हेडेक वी लाइक अ माइग्रेन एटसेट्रा डंडर. ईयर ऑटोरिया नॉइजेस इन द ईयर टिनाइटिस. नॉच एपिस्टेसिस एंड नेजल पॉलीपस. थ्रॉट सोर थ्रॉट एंड ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस. टीथ इनटॉलरेबल पेन इन द टीथ. एब्डोमेन ऑल सिम्पटम एसिडिटी एंड डिस्पेप्सिया नॉसिया वॉमिटिंग एंड हिकअप पेन इन द लीवर एंड स्टोमक. पाइल्स एनल फिस्टुला एंड रेक्टो सिस्टम. यूरिन यूरिनेसिस अपने आप यूरिन हो जाना. वेरियस स्किन डिजीज वार्ट्स ऑन द फेस. जनरली वार्ट्स को क्या साइकोसिस में हम लोग ले लेते हैं बट सोरिक ऑल्सो देयर. वार्ट्स ऑन द फेस आर्म्स एंड हैंड्स इरिसेपलस. क्योंकि वार्ट्स अगर सोरेस अगर मिलता है तो सल्फर से भी वार्ट्स ठीक होता है. मेल नाइट पोल्यूशन सेमिनल डिस्चार्ज विद सेक्सी ड्रीम्स इजी इजैकुलेशन इम्पोटेंसी डिस्चार्ज ऑफ द प्रोस्टेटिक फ्लूइड ड्यूरिंग स्टेनिंग ऑफ द स्टूल एंड यूरिनेशन एटसेट्रा. फीमेल ऑल टाइप ऑफ मेंस्ट्रुएशन डिजॉल्व इनफर्टिलिटी वेजाइनल यूटेराइन पॉलीपस ल्यूकेरिया. एक्सट्रीमिटीज वेरियस टाइप ऑफ रिमेटिज्म कर्वेचर ऑफ बोन्स ओस्टाइटिस ओस्टोमेलाइटिस एटसेट्रा. सपुलेशन एंड निकोलिसिस ऑफ बोन्स लाइक ह्यूमरस फीमर पेटिला Phrangesis and varicose vein of lower portion of the body, ulcer on the thigh, ankle and the foot. ठीक है, हम लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं कि नहीं ये साइकोसिस होगा, ये ऐसा नहीं होता. डिजीजेस वेरियस टाइप ऑफ इंसिस्टेड ट्यूमर्स
various type of carcinoma, sarcoma, etc. Various type of mental disease, epilepsy, tuberculosis, leprosy, bronchial asthma, urinalysis, diabetes of mellitus, etc. Such numerous disease syndromes or disease states denote the symptoms of the secondary SORA, except syphilis and sarcoidosis manifestation. All our chronic diseases are nothing but a various manifestation of the SORA. It's enough to know that SORA may cause all sort of chronic diseases. We need to recognize it, know it, and ability to receive SORA. अब हम लोग सोरा का जितना बीमारी है ड्यू टू सोरा होता है, लेकिन सोरा को पहचानना बहुत जरूरी है। तो कैसे पहचानेंगे? अब मेरे ख्याल से आप लोग सोरा पहचान लोगे, ठीक है। सोरा रिलेटेड जो मेडिसिन है, फ्यू एंटी सोरिक मेडिसिन, एब्रोटेनम जैसे हुआ, एगेलिश हुआ, एलो हुआ, एल्यूमिना, एम्ब्रेग्रेशिया, एमोनियम कार्ब, एंटीक्रोट, एपिसमेल, अर्जेंट मेटालिकम, अर्जेंट नाइटिकम, आर्सेनिक, आर्सेनिक आयोन, ऑरम मेट, बेरेटा कार्ब, बेरेटा मोर, बेलाडोना, बेंजोइक एसिड, बर्बरिस, बूफो, कैल्क्रिया कार्ब, कैल्क्रिया आर्स, कैल्क्रिया फॉस, कार्बो एनिमल्स, कार्बो बेस, कैप्सिकम, क्रेमाइटिस, कोनियम, कोटालस ओरिडस, कोटालस टिक, क्रियोजोटम, कुप्रा मेटालिकम, बिजिटेलिस, डेलकमारा, फेरम मेट, फेरम फॉस, फ्लोरिक एसिड, ग्रेफाइटिस, हाइड्रास्टिस, हिपरसल, आयोडीन, कालीबाइक्रोम, कालीकार्ब, लेफ्टिफ्लोरम, लेकेसिस, लेडम पाल, लाइकोपोडियम, मैग्नीशिया कार्ब, मैग्नीशिया म्यूर, मेजेरिया, म्यूरिटिक एसिड, नेट्रम मास, नेट्रम कार्ब, नेट्रम म्यूर, नेट्रम सल्फ, नाइट्रिक एसिड, पेट्रोलियम, फॉस्फोरस, फॉस्फोरस एसिड, प्लैटिनम, प्लम्बम, रूटा, सोरिक, सोरिनम, पायरोजेनम, सार्सोपिलस, सिकिलिकोर, सेलेनियम, सिपिया, सालिशिया, स्टेनम, स्टेपिस, ग्रेस, ट्रामोनियम, सल्फर, टेलुरियम, टेरेंटुला, थायरोडियम, थायरोटिक एंड ट्यूबरकुलर एंड जिंकम मिस्टासेंट। अभी इतने मेडिसिन सोरिक के लिए है। इतने मेडिसिन में अगर क्रॉनिक डिजीज को ट्रीटमेंट करना है, इतने मेडिसिन में से अगर फिजिकल सिम्टम, फिजिकल कैरेक्टर अगर मिलता है, देन यू अप्लाई ब्लाइंडली। कोई भी आप ब्लड रिपोर्ट, कोई भी रेट देखने की दरकार नहीं है। समझ में आया? अगर सोरिक दिस सोरिक पेशेंट इज देयर, बट जितने मेडिसिन का अगर फिजिकल सिम्टम उसके साथ मिल जाता है, तो हम मेडिसिन अप्लाई करके रिजल्ट पा सकते हैं। बेसिकली 6/30 पोटेंसी में या 0/1 पोटेंसी में। क्योंकि क्रॉनिक डिजीज में हमें क्या देखना है? फिजिकल मेन देखना है, ठीक है। We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.